अज्ञात बदमाशों ने युवक के सीने में घोंपा चाकू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अपने चार पहिया वाहन से दवाई लेने जा रहा था पीड़ित, रास्ते में दो बदमाशों ने वाहन रोक किया हमला। 4,000 रुपए और टाटा सुमो वाहन छुड़ाकर आरोपी फरार। थाने पहुंच घायल ने शिकायत कराई दर्ज। पुलिस घटना की जांच सहित आरोपियों की तलाश में जुटी। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपानिया मोहल्ले की घटना। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। राजपाल, क्या घटना हुई बताइए। हमारे साथ मारपीट हुई और चार चक्का गाड़ी छीनी गई। कहां से कहां जा रहे थे आप, क्या कैसे पूरी घटना? हम जा रहे थे यहां बड़ा उराहट से निपनिया मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में दवा लेने माता जी के वास्ते। पैसा भी डाले हुए थे जेब में। चार चक्का गाड़ी में बैठे थे, हमारा ड्राइवर था, एक छोटे लाल सेन थे, तीन आदमी थे। जैसे ही होटल के सामने मेडिकल कॉलेज से पहले 20 कदम पहुंचे, वैसे ही दो लोग आए गाड़ी के सामने खड़े हो गए। फिर इसके बाद गाड़ी रुक गई, चाकू लेकर के सीधे हमला सीने में कर दिया। गहरी चोट आई, पैसा भी छीन लिया। चार चक्का गाड़ी भी, पैसा 4,000। गाड़ी कौन सी? गाड़ी टाटा सोमो सफ़ेद कलर। कितने लोग थे? दो लोग थे। बाकी लोग बैठे थे। घटना के बदमाश कितने लोग थे? बदमाश दो थे, बाकी तो और थे होटल में। चाकू कहाँ मार किए आप? चाकू हमारे सीने में मारे। सीने में मारे जी। कैसा लगड़ी, कितना सीने? 4,000। 4,000 जी। FIR कर दिया आपने? रिपोर्ट लिखा दिया? जी सर, रिपोर्ट लिखा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।